सब तुम बिस्मिल्लाह करके इस कुर्सी पर बैठ जाओ और दुनिया को बता दो कि तुम हाजी भाई की बेटी हो। जरा अपनी ताई और उनकी बच्चियों से ना दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कि अगर एक घर का वाहिद कफील मर जाए, उस घर की औरत को भूख लगे तो वो क्या करे? घर से बाहर कदम निकाले या घर के अंदर ही मर जाए? सलाम ताई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह सुबह कैसे? अब आ गए तो बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं ताई, बैठने नहीं आया। आपकी अमानत आपके हवाले कर दें। क्या है ये? ताई मैं निकलता हूँ, इससे पहले अम्मा पहुंच जाए। बस मेरे इस राज को राज रखिए। जीते रहो, सलामत रहो। आप भी। दिल से जुड़े रिश्ते सभी असलम। चलो 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 असलम से पूछो। चलो जल्दी चलो। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा है। हाँ मूड तो अच्छा है।
हाँ वो साथ ही हैं जॉगिंग से? नहीं आ गया है, बस ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा जानती हो आगा साहब का फोन आया था। खैरियत? हाँ वो सारा को कुछ साइट विजिट करनी थी अपनी फैशन डिजाइनिंग के बिजनेस के लिए, तो अभी उससे इस शहर में कुछ ज्यादा जगहों का पता नहीं है, तो आगा साहब को साथ की हेल्प चाहिए। अच्छा तो ये वजह है आपकी खुशी की? यस, वैसे मुझे लगता है कि आगा साहब भी साथ में इंटरेस्टेड है। तो इससे क्या हो गया? साल बच्चों की रजामंदी होना बहुत जरूरी है, स्पेशली साथ की। मुझे नहीं लगता कि साथ को कोई भी दिलचस्पी है सारा। दिलचस्पी भी हो जाएगी, दोनों को एक साथ वक्त तो गुजारने दो। और वैसे भी सारा मैं क्या करूंगी, खूबसूरत है, स्टाइलिश है और सबसे बढ़कर एक बहुत अमीर बाप की बेटी है। एक मर्द को और चाहिए क्या होता है? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी साथ से एक बार पूछ लें, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं लगता कि आज साथ सारा के साथ जाएगा। वो तो मुझ पे छोड़ दो, आगा साहब और सारा ऑफिस आएंगे, साथ उन्हें ना नहीं कह पाएगा, ये कोई मामूली बात नहीं है, जैकपॉट है साथ और हमारे लिए। आगा साहब से रिश्ता जोड़ने का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी से रिश्ता जोड़ना, और ये मौका मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं असलम को हमेशा गलत समझती रही, जाहिल समझकर उसके साथ बुरा सलूक करती रही, लेकिन उसने साबित कर दिया कि इंसान जाहिल इल्म की कमी से नहीं बल्कि एहसास की कमी से होता है। नीलम आपी सिर्फ आप नहीं, अस्मा आपी भी असलम भाई की नीयत पर शक करती थी, आखिरकार वो हैं भी तो चाची और चाचा की औलाद, समझा था कि उन्हीं की तरह होंगे। बेटा अल्लाह जब मदद करने पे आता है ना, तो जो लोग आपके खून के प्यासे होते हैं उनमें से ही कोई मददगार भेज देता है, और जो असलम ने किया है यकीन करो मेरा ईमान इस बात पे और पुख्ता हो गया। नीलम बेटा ये लो, अब तुम्हें जो मुनासिब लगे वो करो, सस्ते वक्तों में लिया था अब इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। अम्मी आप दुआ कीजिए कि अल्लाह इसमें खैर और बरकत डाले। आमीन सुम आमीन, अल्लाह तुम्हारी सारी जरूरतें इससे पूरी कर दे। चलो पुलिस के पास चलते हैं, चल के रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसने चोरी किया वो भी पकड़ा जाएगा, जेवर भी बरामद हो जाएगा। चलो। सच्ची? हाँ सच ना। पागल हो गया क्या बेटा तुम्हारा? क्या हो गया अम्मा, कितना रोगी, बीमार हो जाओगी। अरे मैं रो या नहीं रो तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे कोई फिक्र है? सारा दिन सोया पड़ा रहता है घर में, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हाँ तो क्या करूं, एक नौकरी मिली थी वो भी छुड़वा दी इन्होंने जमीर भाई को बोल के, पूछो इनसे। भाई हो बब्बन का बेटा मजदूरी करेगा है? हाँ तुम कौन सा मुझे कोई सरकारी नौकरी करवा कर दे रहे थे है? दो पैसे आ रहे थे वो भी हाथ से गए। अच्छा बस चुप हो जाओ दोनों, दोनों लड़के रहोगे ये पता करोगे कहाँ गया मेरा जेवर। अरे दो दो पैसे जमा करके थोड़ा सा जेवर बनाया था, वो भी कंबख्त चोरा के ले गए। अम्मा तुम ही कह रही थी ना थोड़ा सा जेवर है, तो उसके लिए इतना रो क्यों रही हो? थोड़ा सा जेवर तो दोबारा बन जाएगा। अच्छा कौन बना के देगा, तेरा बाप? इससे तो मुझे कभी कांच की चूड़ियां तक नहीं दिलाई है। अच्छा छोड़ो चलो पुलिस के पास चलते हैं, चल के रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसने चोरी किया वो भी पकड़ा जाएगा, जेवर भी बरामद हो जाएगा। चलो। सच्ची? हाँ सच ना। पागल हो गया क्या बेटा तू, इतने से जेवरात के लिए पुलिस के पास जाए? हाँ? दीवाना सोच लो, न
नहीं जाना पुलिस के पास है? अच्छा छोड़ तू पुलिस पुलिस, पहले मुझे ये तो बता कि तू तो सूरज निकलते मटर गश्ती को निकल जाता था, आज तू इतनी देर तक कैसे सो रहा था? खैर तो है। अरे मटर गश्ती से याद आया, राजू इंतजार कर रहा है आधे घंटे से, मैं निकल रहा हूँ। अरे बात तो सुन असलम, असलम। अबे पागल हो गई हो तुम? अगर ये पुलिस के पास चला गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। चलो मेरा तो कुछ नहीं है, तुम्हारे ऊपर मुझे सह नहीं सकूंगा ये बातें देखकर। एक तो ये कि तुम्हारे कल्लों में पड़ेंगे वो थप्पड़, दूसरी ये कि वहां की जो वार्डन है वो तुमसे बड़ी छन्नी है, हैं? वो पहनाएगी तुम्हें 420 नंबर, यहाँ लिखा हो 420, और उसके बाद सबसे पहली वो ड्यूटी देते हैं बाथरूम सफाई की। मैं ये सह नहीं सकूंगा छन्नी। तो फिर बताओ ना मैं करूँ तो क्या करूँ मेरा जेवर? हाँ ये हुई ना बात। देखो सबसे पहले तुम अपने ये दिल पर जो है ना तुम पत्थर रख लो, और दूसरे ये उठाओ हाथ, उठाओ हाथ जब मैं कह रहा हूँ ऐसे करके उठाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान फातिहा पढ़ लो जेवरात पर। मुझे भी फंसवाएगी तू। तारा बेटा ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़कर आपने फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में आने का कैसे सोचा? दिस इज रियली स्ट्रेंज। दरअसल हमारी बेटी को हमेशा से कुछ डिफरेंट करने का क्रेज रहा और हर कदम पर हमने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि ये इसकी लाइफ है, ये अपने लिए जो बेहतर समझती है वो फैसला करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है आगा साहब, बल्कि मैं तो खुद कहता हूँ कि बच्चों को उनकी मर्जी का प्रोफेशन चूज करने देना चाहिए। एग्जैक्टली। बस इसी सिलसिले में इसे कुछ हेल्प चाहिए थी, क्योंकि आप तो जानते हैं इस शहर में ये नई है, इस शहर के बारे में इतना कुछ इसे मालूम नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ से कहूँ कि इसको थोड़ा सा गाइड कर दे। श्योर वाई नॉट, बल्कि इस शहर का टॉप फैशन डिजाइनर साथ का बहुत अच्छा दोस्त है, साथ सारा कुछ उससे मिलवा देगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा इसके लिए। साथ तुम जरा उमेर के बारे में बताओ इनको। जी डर आप लोगों की तनख्वाह, और मैं माजरत ख्वाह हूं कि ये सिर्फ एक ही महीने की है, लेकिन जैसे ही काम शुरू होगा मैं बाकी महीनों की भी क्लियर कर दूंगी। अरे बेटा इस वक्त तो यही बहुत है, कम से कम इस वक्त हमारे घरों के चूल्हे तो जलेंगे। कल से हम पकवान सेंटर में काम स्टार्ट कर देंगे, आप गोदाम के लिए कुछ सामान भी ले आए ताकि हम तैयारी स्टार्ट करें, और प्लीज सबको बता दें कि हम ऑर्डर्स भी ले रहे हैं। ये काम तो मैं आज ही कर लूं। अच्छा अब मैं चलता हूं। पकवान सेंटर के सारे अहकाम हो गए, मुलाजमों को मैंने सैलरी भी दे दी और लाइट भी बंद करवा दी, बस रिदा और अस्मा की स्कूल की फीस देनी है, वो इंशाल्लाह कल करवा दूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और हाँ, तुम लोगों ने अब बहुत मेहनत करनी है और दिल लगा के पढ़ना है। कोई शिकायत ना मिले मुझे। अरे इस वक्त कौन आया? असलम होगा, मैंने बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। आपने बुलाया? जी बिल्कुल। काम करोगे अगर दिया जाए तो? जी जरूर। मेहनत का काम है लेकिन तनख्वाह अच्छी मिलेगी। तनख्वाह की कोई बात नहीं, आप काम बताएं। वो जिम्मेदारी जो बाबा ने तुम्हारे हवाले की थी मैं फिर से तुम्हारे हवाले करती हूँ। और हाँ, अस्मा और रिदा को कॉलेज छोड़ने के बाद तुम पकवान सेंटर में भी मेरा हाथ बटाओगे। लेकिन लेकिन क्या? एक मुलाजिम होने की हैसियत से नहीं बल्कि एक भाई होने की हैसियत से। बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। बैठो। उन्हें बता दीजिए कैसे मुमकिन नहीं है। मेरे दिल में नीलम की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई मतलब कोई भी नहीं, सारा भी नहीं। Thank you. Saad? Ji mom. बेटा मैंने कहा डिनर पे नहीं आया तो शायद तबीयत खराब है। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, पर ठीक लग नहीं रहे बेटा। क्या डैड से कोई झगड़ा हुआ है? हुआ तो नहीं है पर हो भी सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए मॉम, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं। आप उन्हें बता दीजिए कैसे मुमकिन नहीं है। मेरे दिल में नीलम की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई मतलब कोई भी नहीं, सारा भी नहीं। बेशक उसको मेरे साथ जहां भेजना है भेजे, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन मॉम आई कांट लव हर यार। अजीब बात है, यानी कि पकवान सेंटर की बिजली रातों रात बहाल हो गई। नीलम के पास इतना पैसा आया कहां से कि इतना लंबा चौड़ा बिल भर दे? मुझे तो शक हो रहा है, कुंडा शुंडा तो नहीं डाल लिया? कहीं तुम्हारा शक असलम की तरफ तो नहीं है? नहीं, असलम नहीं, लेकिन मैं मुझे ये पता है वसूली मैंने बड़े टाइट अंदाज में की है, जैसे खिचड़ी की खुरचन नहीं खाते। इस तरह वसूल किया मैंने, एक एक टका, कई पैसा देला छोड़ा ही नहीं मैंने, फिर भी पता नहीं क्या बात है। लेकिन बब्बन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर असलम ने ऐसा कुछ किया होगा ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अरे शन्नी, हम
कुछ नहीं कर सकते, हमारा दोनों तरफ से नुकसान है। ये लो आ गया। चुप रहो चुप रहो। कहां से आ रहा है भाई? सुबह तुझे बताया भी था कि घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई है, माँ बिचारी सदमे से निढाल पड़ी हुई है, तू घूम रहा? ताई के घर गया था और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो ये कि मुझे नीलम ने महीने पे तनख्वाह पे रख लिया है, 20,000 रुपए गाड़ी चलाने के लिए। 20,000? क्या नीलम की कोई लॉटरी निकल आई है? बस ऐसी समझो अम्मा, लॉटरी निकल आई है। बैंक से कर्जा लिया था इसलिए। अब देखना पकवान सेंटर बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे हाजी ताए के जमाने। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझे तो ग्लूकोस ला दो घोल के ठंडे पानी में। हाय फुल्ला, या अल्लाह रहम कर दे मुझ पर। आह कल्बी कैफियत मेरी खराब होती जा रही है, समझ में नहीं आ रही। उस लड़की का भूत साथ के सर से इतनी आसानी से नहीं उतरेगा सबात। इस किस्से को मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे अपने बेटे के साथ? प्लीज अफसान, छोड़ दे उसे उसके हाल पर, मत फोर्स करें उसे। क्या कह रही हो तुम? तो क्या मैं अपने बेटे को उस दलदल में गिरने के लिए छोड़ दूं? हरगिज नहीं। तो फिर क्या, क्या आप उस लड़की को साथ के दिल और दिमाग से निकाल सकते हैं? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। किसके दिलो दिमाग से किसको निकालना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उठा के लिए अफजाल, जिस बात में आके कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। देखिए प्लीज, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र करनी है। इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, क्योंकि कुछ मामलात सीधी तरह हल नहीं होते। I'm so sorry, Asma. किस बात के लिए Asma? यही कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी नीयत पर शक किया और तुम्हें बहुत कुछ गलत कह दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। अम्मा पर जो तुम लोगों के साथ किया उसमें तुमने मुझे इतना ही बोला बहुत है, तुम चाहती तो मुझे उससे भी बहुत ज्यादा बोल सकती हो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम हमारे रवैयों पर मुंह फेर सकते थे, जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया तो वही खड़े रहे। ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत करो असमा, मैं कोई पराया थोड़ी है, तो मेरा फर्ज है। और मेरी बात सुन, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आखिरी साल है तुम्हारा, खूब मेहनत करो और हाजी ताया का ख्वाब पूरा करो। चलो हम आ गए। अपना ख्याल रखना असमा, बता। कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन मैं खुद ही आपके बेटे से बात करने की या उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखती। Thank you.
बोलिए। नीलम बेबी कहाँ? बैठे सब लोग। बुला के लाओ। जाओ। आपने ऑर्डर भिजवा दिया? और ये बिरयानी कब बनेगी? हाँ हाँ तैयार है बेटा सब कुछ। और कोरमे का क्या हुआ? हाँ कोरमा भी हो चुका है, बस थोड़ी देर लगेगी। चाचा प्लीज टाइम पे करवा दिया करेगा। मैं क्यों परेशान होती हूँ बेटा, हम हैं ना। अच्छा ठीक है। बाजी आपसे कोई मिलना है? मुझसे कौन मिलने आया है? पता नहीं बाजी, लेकिन आपको लगता है बहुत बड़ी गाड़ी में, लगता है बड़े साहब हैं। मुझे तो लगता है कोई बड़ा ऑर्डर आया होगा हमारे पास, देखिएगा। चलो मैं देखती हूँ, आप प्लीज ऑर्डर देखें। कैसा ऑर्डर आ गया? बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी। छोड़ो ना चाचा, काम करो, नया ऑर्डर आएगा फिर थक जाएंगे। आप पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। क्या मैं मुझे देख के तुम हैरान हो रही होगी कि मुझ जैसा इंसान इस जैसी जगह पे कैसे आ सकता है। लेकिन उससे आने क्या गया है ना कि कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। तो फिर मान लीजिए कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसने आप जैसे खुद पसंद इंसान को कीचड़ में उतरने पे मजबूर कर दिया। मजबूर तो इस वक्त मुझे तुम लग रही जो यूं सरे बाजार आ बैठी। खैर अच्छा किया तुमने कि अपनी औकात पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्रिया आपका, ये सब कुछ आप ही की बदौलत तो हुआ है। मुद्दे पे आए और बात करें, क्या बात करें? यही कि मेरे बेटे की जिंदगी से जाने की क्या कीमत लोगी तुम? आपके बेटे की जिंदगी से जा चुकी हूं मैं, और कीमत भी मैंने ही अदा की है, वो भी बहुत बड़ी। वरना आपकी क्या हैसियत है जो किसी की कीमत अदा कर सके? तुम सच कह रही हो या मेरे बेटे को फांसने की एक बार फिर झूठ बोल की कोशिश कर रही हो? वो एक झूठ मेरे जिंदगी भर सच बोलने के लिए काफी है अफजाल साहब। खैर आपका बेटा आप ही को मुबारक। तो भी ठीक है, आइंदा मेरे बेटे से मिलने की या उससे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना वरना क्या क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन मैं खुद ही आपके बेटे से बात करने की या उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखती। अब आप जा सकते हैं यहाँ से, और दोबारा कभी जहमत ना करिएगा यहाँ आने की, क्योंकि यहाँ की गलियां बेशक छोटी हो लेकिन लोग अभी इतने छोटे नहीं हुए कि एक औरत की पुकार पे कोई आपका गिरेबान ना पकड़ सके। देख लिए लतीफ, मेरा कहा सच हुआ जा रहा है। आने लगी लंबी लंबी गाड़ियां पकवान सेंटर के बाहर। अब यूं रश लगेगा यहाँ, और हम मुंह देखते रह जाएंगे। और नहीं तो क्या वसीम भाई,
इस सीलम को कौन नहीं चाहेगा अपनी अंगूठी में जड़ना। अभी तो बड़े बड़े कदरदान आएंगे, देखते जाए बस आप। लाहौल वाला कुवत, तोबा तोबा तोबा, मुझसे नहीं देखा जा रहा है सब। तो क्या करेंगे वसीम भाई, जिया भाई ने तो बात ही खत्म कर दी ये क्या कि हम मुहाफिज हैं। अच्छा, ये जो बाहर खड़े ना, इनको तो जिया भाई रोक लेंगे, मगर ये बिना पूछे अंदर घुसे जा रहे हैं, इनका क्या? रुक जाए वसीम भाई, जज्बाती मत होए, थोड़ा इंतजार करें, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तो मामला नया नया है, हमदर्दियां भी हैं, हाजी भाई का लिहाज भी है, जब गिर्द बैठेगी ना तो सबको साफ नजर आने लगेगा। लतीफ कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कि कितनी आवारा है, अपने बाप को भी खा गई, क्यों नहीं बताते? और खास तौर पे वो हाजी साहब के जो खास बावर्ची थे ना, उनको बताओ जाकर, फिर मैं देखती हूँ कौन रहता है इसका हमनवा। अरे हारून भाई, जब ही तो कह रहा हूँ कोई नौकरी दिलवा दो किसी पकवान सेंटर पर, मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया मेरी बीवी के सारे जेवर, लेगा चोरी करके, बुंदा तक नहीं उसके कान में, ये लंबे लंबे छेद नजर आ रहा है उसके कान में, बुंदा नहीं है। हाँ क्या फायदा शन्नी बेगम अफसोस मनाने से, जो होना था वो तो हो गया। हाँ? अब उठ जाओ। अरे सब गारत हो गया बब्बन, सब गारत हो गया, क्या रहा हमारे हाथ में, मेरी तो सारी चालें धरी की धरी रह गई। बताओ वो घर भी छोड़कर आ गए, इस घर के भी पूरे पैसे नहीं दिए, जेवर अलग चोरी हो गया, और नीलम मनु जाके पकवान सेंटर पे बैठ गई, क्या रहा हमारे हाथ में? परेशानी तो मुझे भी है कि आप गुजारा कैसे हो, मैंने तो लंबा हाथ मारने का सोचा था, उससे भी गए। लेकिन बब्बन मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा भाई, वरना हम रोड पर आ जाएंगे, और ये जो मालिक मकान है ना, ये नहीं रुकेगा ज्यादा देर तक, आ जाएगा तकाजा करने। अरे वर क्यों नहीं जाती है नीलम, मैं तो कहती हूँ किसी भी तरह ना हमारे रास्ते से हट जाए भाई। ये नहीं हटेगी, हाजी भाई की बेटी है, जो दिल में ठान ले कर गुजरती है, देखा नहीं? और मार्केट में भी इसके बड़े हमनवा हैं। तो तुम जाओ ना मार्केट वालों को बताओ इसकी असलियत, कि कितनी आवारा है, अपने बाप को भी खा गई, क्यों नहीं बताते? और खास तौर पे वो हाजी साहब के जो खास बावर्ची थे ना, उनको बताओ जाकर, फिर मैं देखती हूँ कौन रहता है इसका हमनवा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, हर शन्नी बेगम ठीक नहीं है, भतीजी है ना मेरी, जो भी ये भतीजी जो है, जो भी कहूंगा कीचड़ मेरे ऊपर उछलेगी। देखो बब्बन, इंसान का ना पेट पहले होता है, रिश्तेदारियां बाद में होती हैं, जाके बताओ सबको। और अच्छा मैं तो कहती हूँ तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी ये काम भाई, बहुत अच्छे से बताऊंगी सबको जाके, ये काम तुमसे नहीं होगा। ना जाके इसको इतना बदनाम कर दूं ना मैं पूरी मार्केट में, तो मेरा नाम भी ना शन्नी नहीं, देखना तुम, करती हूँ मैं खुद ये काम। और तुम जाओ भाई जाओ, तुम जाके आराम करो, तुम्हें आराम करना आता है सिर्फ। अरे जाओ, कुछ किया है पहले जो अब करोगे, तुम्हारी वजह से तो ये दिन देख रहे हैं हम। नीलम बेटा, तो हमने सारा सामान जो है गोदाम में तरतीब से लगा दिया। अच्छा किया, आप लोग थोड़ा आराम कर लेना, मैं चाय मंगवा दूंगा। चाय नहीं चाहिए, दुआ करें कि ऑर्डर आ जाए, सुबह से दोपहर हो गई अभी तक एक ऑर्डर नहीं आया। आ जाएगा आ जाएगा, अभी लोगों को पता तो चलने दो, मेले में पकवान सेंटर खुल गया, फिर देखना कैसी लाइन लगती है।
क्यों बेटा? सूफी साहब तशरीफ रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नीलम इनकी बेटी की शादी है, उसका ऑर्डर देने आए हैं। अच्छा। मैंने हाजी साहब की वफ़ात का सुनकर मैं तो वापस लौटने लगा था। मैंने सोचा कि शायद अब पता नहीं खाने में उजायका हो कि नहीं हो, पर ये मुझे अपने तौर पे जिद करके ले आए कि नहीं आप चले मेरे साथ एक दफा ऑर्डर देके तो देखें, जायके में आपको इंशाल्लाह कोई कमी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। देख लें, 500 लोगों का खाना है, आप लोग हैंडल कर पाएंगे? और हाँ, ये देखिएगा कि आपके अमृत बावर्ची ही खाना पकाएंगे ना? जी। मैंने सोचा कि शायद आप पकवान सेंटर पर बैठी हैं, तो शायद पकाने के लिए भी औरतें रखी हो आपने। खैर बहरहाल जो भी है, जो जायका मर्द बावर्ची के हाथ में होता है वो औरत के हाथ में नहीं। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। अगर ऐसा होता तो आप मर्द दिलो जान से हर बावर्ची खाना हम औरतों के हवाले नहीं करते। वैसे आप बेफिक्र रहे, हमारे यहाँ सारे बावर्ची मर्द ही हैं। चलें ठीक है, ये भी सही। खैर बहरहाल आप हमारा ऑर्डर तो लिखें। जी जरूर। बोलो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें लेकर आए चाचा। उनको बताएं कि पकवान सेंटर हम खोल चुके हैं। तौबा तौबा, मुझे तो घिन आ रही है। इतने बुरे किरदार की निकली ना वो लड़की। अब भला बताओ, बब्बन जैसा जिम्मेदार आदमी क्या काम पे नहीं जाएगा? वो कल की लड़की खुद जाके पकवान सेंटर पे बैठ गई। व्हाट द हेल, देख के नहीं चल सकती?